मूवी की शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जहां पर सभी अपने काम में बिजी होते हैं। वहीं हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो मिट्टी के खिलौने बना रहे होते हैं। वो मिट्टी से एक खूबसूरत से सेफ और एक प्यारी सी लड़की को बनाते हैं जिनका नाम वो नीथन और मे रखते हैं। उस मास्टर की पत्नी मे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उनको हार्ट अटैक आता है जिससे वो नीचे गिरने लगती है और उनके हाथ से मेज छूट जाती है और वो लुढ़कते हुए दरवाजे के पास चली जाती है। तभी कोई अनजान क्रिएचर मे को उठाकर वहां से ले जाता है। इधर मास्टर अपनी पत्नी की मौत हो जाने से पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो खिलौना बनाना बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम एक शॉप को देखते हैं जहाँ का शॉपकीपर सभी को खिलौने पर पानी डालकर दिखा रहा होता है, जहाँ शॉपकीपर के पानी डालने की वजह से सभी खिलौने का कलर चेंज हो जा रहा था। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो नीथन के ऊपर पानी नहीं डालता है। ये देखकर एक लड़की उससे पूछती है कि क्या इस पर पानी डालने से इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, और वो उस पर पानी डालने ही वाली होती है कि तभी शॉपकीपर उसे रोक देता है और उससे नीथन को लेकर दूर रख देता है और कहता है कि इसे टच मत करो, ये बहुत मूल्यवान है। ये उस मास्टर के द्वारा बनाया गया लास्ट खिलौना था। बेशक ये अपना कलर चेंज नहीं कर सकता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और इस वजह से वो इसे बेच भी नहीं सकते। इसके बाद हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी सुंदरता और पानी डालने पर रंग बदलने की काबिलियत की बड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर नीथन चुप होता है क्योंकि उसके पास पानी डालने पर कलर चेंज करने की काबिलियत नहीं होती है, और जब बाकी के खिलौने नीथन से उसके पावर के बारे में पूछते हैं तो वो बातें बनाने लगता है। इसके बाद ये लोग खूब मस्ती करते हैं और इसी दौरान एक बार नीथन पीछे से आकर सबको डरा देता है जिससे सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर नीथन कहीं ना कहीं अपने कलर ना चेंज कर पाने की वजह से बहुत दुखी होता है और वो खिड़की पर आकर बैठ जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड रेड पिगी भी आता है और वो नीथन को समझाता है कि कलर ना चेंज कर पाना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि इस वजह से तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा और तुम हमेशा खुशी से यहीं पर रहोगे। अगले सीन में हम एक सफेद बॉल को देखते हैं जो पूरे शहर में लुढ़कती हुई इधर उधर आ जा रही होती है। इसके बाद वो बॉल लुढ़कते हुए उसी जगह पे आती है जहाँ पर नीथन अपनी बाकी के दोस्तों के साथ रहता है। उस सफेद बॉल को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि वो सफेद बॉल कोई बॉल नहीं बल्कि एक रोबोट है। इसके बाद वो रोबोट उन्हें बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। इसके बाद नीथन उस रोबोट की परीक्षा लेता है और पूछता है कि अच्छा बताओ अगले कुछ समय में आसमान में क्या होने वाला है। इस पर वो रोबोट बताती है कि अगले कुछ मिनट में यहाँ से एक प्लेन गुजरेगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन नीथन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो उसकी और कई तरह के टेस्ट लेता है, लेकिन एक एक करके उसके द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां सच होती है। ये देखकर नीथन को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि वो रोबोट सचमुच फ्यूचर से आई है। इसके बाद वो उस रोबोट से अपने कलर ना चेंज कर पाने की वजह पूछता है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है और वो नीथन को बताती है कि शायद इसका जवाब फ्यूचर में उस जगह जाने पर मिल सकता है जिस समय तुम्हें बनाया गया था। रोबोट का ये आइडिया नीथन को बहुत पसंद आता है और वो उसके साथ उस झूले की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से एक वॉर्म होल की मदद से रोबोट भविष्य से यहाँ आई थी। वो किसी तरह इंसानों की नजर से बचते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रेड पिगी को देखते हैं जो एक साइंस की किताब को अपने पीठ पर बांधकर नीथन की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे साइंस में बहुत रुचि होती है, इसलिए उसे लगता है कि वो नीथन को भविष्य में जाने में मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम नीथन और रोबोट को देखते हैं जो बहुत मुश्किलों का सामना करके किसी तरह उस झूले के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर रोबोट के हिसाब से वो वार्म होल था जिसकी मदद से वो भविष्य से यहां आया था, लेकिन वहां पर कुछ भी वैसा नहीं होता है और वो दोनों फ्यूचर में जाने के चक्कर में गिरते हुए एक घर में आ जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे पालतू जानवर होते हैं और यहाँ पर एक बूढ़ा कछुआ भी होता है। वो जब नीथन की परेशानी के बारे में सुनता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता है जिसका नाम है 3W मैन, जो सब कुछ जानता है, जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसके पास हर सवालों का जवाब होता है। इसके बाद वो नीथन को एक मैप दिखाता है और बताता है कि 3W मैन तक पहुंचने के लिए उसे अंडरवर्ल्ड के अंधेरे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा और उन अंधेरे रास्तों में इविल फ्लैश नाम का एक शैतान रहता है जिनसे उन्हें बचकर आगे बढ़ना होगा, वरना अगर उसकी नजर उन पे पड़ गई तो या तो वो उन्हें बंदी बना लेगा या फिर जान से मार देगा। इसके बाद नीथन रोबोट के साथ 3W मैन की तलाश में निकल पड़ता है। अब ये दोनों इंसानों की नज़र से बचते हुए गटर में आ जाते हैं और गटर के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं।
आगे बढ़ने के दौरान एक बार नीथन रोबोट को यूं ही स्पिन करने को बोलता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो रोबोट सच में स्पिन करने लगती है। इसके बाद नीथन रोबोट को स्टॉप बोलकर रोक देता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। इस पर वो रोबोट नीथन को बताती है कि उसे नहीं पता। दरअसल उस रोबोट में एक वॉइस कमांड का फीचर होता है जिससे कोई भी बोलकर रोबोट को कमांड दे सकता है और अपनी मर्जी के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी हम वहाँ एक चूहे को देखते हैं जो एक छोटे से गिफ्ट को लेकर जा रहा होता है। अब जब नीथन रोबोट के साथ कुछ आगे बढ़ता है कि तभी उसे नीचे वो गिफ्ट पड़ा दिखाई देता है जो वो चूहा लेकर जा रहा था। नीथन उस गिफ्ट को उठा लेता है और वो उसे एक गिफ्ट के तौर पर उस रोबोट को दे देता है और वो रोबोट उसे लेकर बहुत खुश होती है और उसका सिस्टम नीथन को एक फ्रेंड के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई भारी चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और अगले ही पल ये देखते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये देखकर नीथन एक लटकती हुई सीढ़ी पर चढ़ जाता है और वो रोबोट भी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है कि तभी उसके हाथ से नीथन द्वारा दिया गया गिफ्ट छूटकर नीचे गिर जाता है और रोबोट अपनी जान की परवाह किए बिना उस गिफ्ट को उठाने जाती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। इसके बाद नीथन उस रोबोट से पूछता है कि तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर उस बेकार से गिफ्ट को क्यों उठाया। इस पर रोबोट बताती है क्योंकि वो उसका दोस्त है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोबोट नीथन को अपना कितना बड़ा फ्रेंड मानती है। इसके बाद हम उसी रेड पिगी को देखते हैं जो अब भी अपनी पीठ पर बुक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और जब वो एक गटर के पास पहुंचता है तो वो उसकी गहराई और अंधेरे को देखकर उसे वार्म होल समझने लगता है। इसके बाद हम रोबोट और नीथन को देखते हैं जिन्हें गटर में दो चूहे मिलते हैं जो इन दोनों को डराने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक पतले चूहे का नाम सिकी और मोटे चूहे का नाम गिकी होता है और जब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों 3W मैन को ढूंढ रहे हैं तो वो उनसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि 3W मैन कहाँ रहता है और वो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों इन्हें बेवकूफ बनाकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जहाँ पर बहुत से चूहे होते हैं जो एक बेहतर लाइफ जी रहे होते हैं। ये सब देखकर नीथन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद ये दोनों चूहों के बॉस के पास जाते हैं जहाँ पर बहुत सी कीमती और ऐतिहासिक चीजें रखी होती है और जब ये दोनों चूहों के बॉस को देखते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि इविल फ्लैश होता है जो खिलौनों को या तो मार देता है या तो कैद कर लेता है क्योंकि उसे खूबसूरत चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। इसके बाद फ्लैश रोबोट को कहता है कि तुम हो एक ब्रांड न्यू रोबोट। ये सुनकर रोबोट उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। इस पर फ्लैश बोलता है कि हाँ वो उसे जानता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर सिकी और गिकी एक लैब में चोरी करने जा रहे होते हैं जहाँ पर एक वैज्ञानिक अपने असिस्टेंट की मदद से उस सफेद रोबोट को बना रहा होता है और वहीं पे सिकी और गिकी की गलती की वजह से वो रोबोट अपनी जगह से हट जाता है और लुढ़कते हुए इधर उधर जाने लगता है जिसे देखकर वैज्ञानिक अपने असिस्टेंट के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक ऐसा समय आता है जब बाहर का गेट बंद होने की वजह से रोबोट बाहर नहीं जा पाती और वैज्ञानिक उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी उनका गार्ड गलती से दरवाजा खोल देता है जिससे रोबोट वहां से निकल जाती है और वैज्ञानिक उसे पकड़ नहीं पाते हैं। ये देखकर वैज्ञानिक का असिस्टेंट गार्ड को उसकी नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसी के दरवाजा खोलने की वजह से उसका रोबोट वहां से भाग गई होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रोबोट कोई भविष्य से नहीं आई होती है बल्कि वो एक लैब में बनी होती है। इसके बाद इविल फ्लैश नीथन से कहता है कि तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पैर पे एक सिग्नेचर है और तुम एक डुप्लीकेट खिलौने हो। ये सुनकर रोबोट कहती है कि नहीं तुम झूठे हो, नीथन डुप्लीकेट नहीं बल्कि ओरिजिनल है क्योंकि सिग्नेचर हमेशा ओरिजिनल चीजों पर होता है। ये सुनकर फ्लैश अपने सबसे खूबसूरत कलेक्शन को उनके सामने पेश करता है जो कोई और नहीं बल्कि मैं होती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जब मैं बूढ़ी औरत के हाथ से छूटकर दरवाजे के पास चली गई थी तो उसे वहां से चुरा कर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्लैश ही था। मैं को देखकर नीथन उसे बताता है कि मास्टर ने उन्हें साथ में बनाया था और वो दोनों साथ ही रहा करते थे, लेकिन मैं इस बात से इनकार कर देती है। और वहीं फ्लैश नीथन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो रोबोट नीथन और मैं को उठाकर वहां से भागने लगता है। फ्लैश और उसके बाकी के चूहे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं
और एक ऐसा समय आता है जब रोबोट नेथन और मे को लेकर वहां से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी अचानक से फ्लैश रोबोट पर हमला कर देता है, जिससे मे उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे फ्लैश के लोग कैद कर लेते हैं और नेथन गटर के गहरे पानी में गिर जाता है। इसके बाद रोबोट और फ्लैश के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें रोबोट फ्लैश को बहुत बुरी तरह मारती है। ये देखकर फ्लैश हार मान लेता है और उस रोबोट को रुकने को कहता है और वहां से वापस चले जाने को कहता है। फ्लैश की बातें सुनकर रोबोट का वॉइस कमांड मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो वहां से सीधे उस लैब की तरफ निकल पड़ती है। ये देखकर फ्लैश बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है कि रोबोट को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ हम नेथन को देखते हैं जो पानी के अंदर डूबता चला जा रहा होता है। इसके बाद हम रोबोट को देखते हैं जो सीधे लैब में पहुंच जाती है। रोबोट को वापस देखकर वैज्ञानिक बहुत खुश होता है। इसके बाद उस रोबोट के सामने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजिबल होता है जो रोबोट को उसके बनने की वीडियो क्लिप्स दिखाता है। इसके बाद वो रोबोट उस एआई से पूछती है कि क्या उसकी तरह और भी रोबोट है जो वॉइस कमांड को फॉलो करती है। ये सुनकर एआई उसे बताता है कि हाँ, उसके जैसे और भी कई रोबोट हैं। इसके बाद वो खुद को वायर से अलग करके रोबोट के पास आ जाता है और वो उस रोबोट को वॉइस कमांड देता है और देखते ही देखते वहां पर ढेर सारे रोबोट आ जाते हैं जो एआई कमांड को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन रोबोट को ये सब पसंद नहीं आता है और वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम रेड पिगी को देखते हैं जिसे सिकी और गिकी किडनैप कर लेते हैं। उधर नेथन अभी भी पानी के अंदर फंसा होता है कि तभी वहां पर एक चमकीली मछली आती है, लेकिन अगले ही पल वो मछली वहां फंस जाती है, जिसे नेथन आजाद कर देता है। इसके बाद वो मछली वहां से चली जाती है और अपनी तरह ढेर सारी मछलियों को लेकर वहां आती है। इसके बाद वो मछलियां नेथन को अपने ऊपर बिठाकर उसे वहां से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम रेड पिगी को देखते हैं जो फ्लैश के सामने खड़ा होता है। फ्लैश पिगी को टॉर्चर करके उससे पूछता है कि बताओ रोबोट कहाँ पर है, लेकिन पिगी उसे कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि रोबोट कहाँ पर है। ये सुनकर फ्लैश पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम नेथन को देखते हैं जो मछलियों की मदद से पानी के बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा चूहा नेथन पर हमला कर देता है और नेथन वहां एक गहरी खाई में गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो रोबोट आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद रोबोट और उस चूहे में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी वो चूहा हार मान लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद नेथन रोबोट को अपने साथ चलने और फ्लैश से लड़ने को कहता है, लेकिन रोबोट मना कर देती है क्योंकि वो जान गई होती है कि अगर वो फ्लैश से लड़ने जाएगी तो फ्लैश वॉइस कमांड देकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसके बाद ये दोनों 3W मैन की तलाश में निकल जाते हैं और लगातार रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन्हें कुछ टॉयज दिखाई देते हैं जो 3W मैन की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल आज 3W मैन का बर्थडे होता है और आज वो किसी एक के सवालों का जवाब देगा, इसीलिए सभी अपने सवालों को लेकर 3W मैन के पास जा रहे होते हैं। नेथन और रोबोट भी उन्हीं के साथ निकल पड़ते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर 3W मैन रहता है। वहां पर मेढकों की एक टोली होती है जो कहता है कि एक बार में एक ही अंदर जा सकता है। इसके बाद एक बड़ी सी छिपकली अंदर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरह से मार खाकर वापस आती है। इसके बाद जितने भी लोग अंदर जाते हैं मार खाकर वापस आते हैं। इसके बाद रोबोट अंदर जाती है और बहुत समय बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आती है। ये देखकर नेथन दौड़ता हुआ अंदर जाता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत से मेढक होते हैं जिन्होंने रोबोट को जकड़ कर रखा होता है। ये देखकर नेथन अपनी जान पर खेलकर उन मेढकों से लड़ने लगता है और बहुत मुश्किल से किसी तरह उस रोबोट को उन मेढकों से आजाद कराता है। इसके बाद वो दोनों 3W मैन के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान या जानवर नहीं बल्कि एक कंप्यूटर होता है जिस पर टाइप करके लोग अपने सवालों का जवाब जानते हैं। अब जब नेथन अपने सवालों को टाइप कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर सिकी और गिकी अपना खौफ दिखाने के लिए वहां की एक बिल्ली को बता देते हैं कि वो फ्लैश के आदमी हैं। फ्लैश का नाम सुनते ही वहां पर भगदड़ मच जाती है और सारे टॉयज इधर उधर भागने लगते हैं और इसी भागम भाग में पुल टूट जाता है और वो रोबोट एक बड़ी सी चीज पर आकर गिरती है जिससे वो ऑफ हो जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर वही गार्ड आता है जिसके दरवाजा खोलने की वजह से वो रोबोट लैब से भागी होती है। दरअसल ये जगह उस गार्ड का कमरा होता है जिसे सब 3W मैन कह रहे थे वो उसका कंप्यूटर होता है। इसके बाद वो रोबोट को उठाकर वहां से ले जाता है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका कूरियर वहां आ जाता है
और वो अपनी डिलीवरी लेने बाहर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नेथन रोबोट को लेकर वहां से निकल जाता है। और जब वो रोबोट के पास दुखी होकर बैठा होता है कि तभी कुछ बच्चे गलती से वहां पर मौजूद बड़े से झूले को स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये सब डीएक्टिवेट पड़ी रोबोट की आंखों में पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि नेथन ने जो वो गिफ्ट रोबोट को दिया होता है उसमें भी एक झूला होता है जिससे वो रोबोट इमोशनली जुड़ी होती है। रोबोट को एक्टिवेट देखकर नेथन बहुत खुश होता है। इसके बाद नेथन रोबोट को ऑफ करके उस गार्ड के रूम में रख देता है और वहां से फ्लैश से अपने साथियों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एक बार फिर से उस रोबोट की जान खतरे में पड़े। इसके बाद नेथन सीधे उन चमकीली मछलियों के पास पहुंच जाता है और वो उनके साथ मिलकर फ्लैश के ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले वो गटर का पूरा पानी खोल देते हैं जिससे फ्लैश का पूरा साम्राज्य पानी में डूबने लगता है। इसके बाद नेथन मे और अपने बाकी के दोस्तों को पिंजड़े से आजाद कर देता है और उन्हें लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो मे को लेकर वहां से निकल पाता, वहां का वाटर लेवल कम हो जाता है और वो पानी के एक भंवर में फंस जाते हैं और वो उसमें डूबने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर वो रोबोट आ जाती है जो नेथन और मे को बचाकर वहां से ले जाती है। फ्लैश के चंगुल से आजाद होकर नेथन के दोस्त बहुत खुश होते हैं। इसके बाद नेथन मे और रोबोट के साथ मास्टर के घर पे आ जाता है, और जब वो मास्टर के खिलौने बनाने की भट्टी में से होते हुए अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर फ्लैश आ जाता है। फ्लैश को देखकर रोबोट उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फ्लैश रोबोट को वॉइस कमांड देकर अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उस रोबोट से ही नेथन और मे पर हमला करवाने लगता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब रोबोट नेथन और मे को मारने वाली होती है कि तभी उसके अंदर रखा वो गिफ्ट जो नेथन ने रोबोट को दिया था वो रोबोट के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है, और जब रोबोट की नज़र उस गिफ्ट पर पड़ती है तो उसके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते वो वॉइस कमांड से खुद को आज़ाद कर लेती है। इसके बाद वो वॉइस कमांड की प्रोसेस करने वाली चिप को तोड़ देती है और उसके बाद वो फ्लैश को बुरी तरह से मारती है। रोबोट को फ्लैश के कंट्रोल से बाहर देखकर नेथन बहुत खुश होता है कि तभी फ्लैश भट्टी में कोयले की चैन को खींच देता है, जिससे देखते ही देखते भट्टी में ढेर सारा कोयला आने लगता है, जिसे देखकर रोबोट नेथन और मे को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी फ्लैश भट्टी की आग वाली बटन को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो पूरी भट्टी जलते हुए कोयले से भरने लगता है। लेकिन किसी तरह बहुत मुश्किल से रोबोट मे को लेकर भट्टी से बाहर निकल जाती है और नेथन भी रोबोट का हाथ पकड़कर बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी फ्लैश नेथन का पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है और नेथन को रोबोट और मे की जान को बचाने के लिए रोबोट का हाथ छोड़ना पड़ता है, जिससे नेथन और फ्लैश धधकते हुए लावे में गिर जाते हैं और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे रोबोट और मे दूर जाकर गिरती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सोकर उठता है। जब वो नीचे देखता है तो वहां पर मे होती है, जिसे देखकर वो मास्टर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो देखते हैं कि उनकी भट्टी का दरवाजा टूटा हुआ है और जब वो अंदर हाथ डालकर देखता है तो वहां पर नेथन होता है जो बिल्कुल काला पड़ गया होता है। इसके बाद वो मास्टर नेथन को पोंछकर साफ कर देता है और उसके बाद वो एक सफेद चमकता हुआ रियल सेफ लग रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसका भी कलर चेंज हो गया था। इसके बाद वो दोनों रोबोट के पास जाते हैं जहां पर वो टूटी पड़ी होती है। तभी कुछ बच्चे उसे उठाकर गार्ड के पास लाते हैं और वो गार्ड उसे बनाकर फिर से पहले जैसा कर देता है। और जब रोबोट नेथन को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।